ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे पार्लियामेंट की राहदारियों में खुर्शीद शाह और शेख रशीद के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ है। शाह जी आप इमरान खान की मुखालफत क्यों नहीं छोड़ते? शेख रशीद की जानिब से खुर्शीद शाह से अपील की गई है, मैं सियासतदान हूँ, बेगैरत नहीं हूँ। खुर्शीद शाह का ये जवाब सामने आया है, जबकि इमरान खान भी बेगैरत नहीं है, शेख रशीद ने ये जवाब दिया है। तो ये दिलचस्प कुछ बातें हुई पार्लियामेंट की राहदारियों में। इरफान मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। इरफान क्या बातें थी ये, क्या शिकवे शिकायत हुई इस मौके पर? देखिए ये एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास के बाद जैसे ही तमाम सियासी कायदीन बाहर निकले तो शेख रशीद अहमद ने खुर्शीद शाह को रोक लिया और उनको कहा कि शाह जी समझ नहीं आती कि आप हमेशा इमरान खान की मुखालफत क्यों करते हैं। उन्होंने शेख रशीद ने खुर्शीद शाह के आगे हाथ भी जोड़े और कहा कि कुछ ख्याल किया करे, जिस पर खुर्शीद शाह ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया। शेख रशीद को उनका कहना था कि मैं एक सियासतदान हूं और बेगैरत नहीं हूं, बेगैरती नहीं कर सकता, जिस पर शेख रशीद ने ये कहा कि इमरान खान भी इंतहाई गैरतमंद है और वो भी ऐसा करने का सोच नहीं सकते। इस दौरान नून लीग के जो दीगर अराकीन थे उन्होंने कहका लगाया तो शेख रशीद अहमद को खुर्शीद अहमद शाह ने ये कहा कि यहाँ से अभी चलते हैं, अलहदगी में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर नून लीग वाले। इरफान आप साथ रहिएगा, हम अपने नाज़रीन को वो बातें सुनवाते हैं जो कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान पार्लियामेंट की राहदारियों में हुई हैं। अलग बात कर तुझसे, मैं तो अटैक करूं नून वाला, तू बताएगा जाके? नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी, ये काम नहीं, तो बता आप, रोज मीडिया में उसको बता रहे हैं आप। वो तो उसने कह दिया क्या जी? शाह जी फिर आप मुझे आप छोड़े ना, मुझे अकेले बात करेंगे बताऊंगा मैं। और तुझे तबाही तो तुझे भी बहुत है, मैं बोल नहीं सकता, कुछ नहीं तबाही तुझे बहुत है, और तुम चेहरे से देख रहा था मैं तबाही फटने वाला। नहीं नहीं फटा देंगे चल पड़ा।